तो ऑफिशियली मेरा फर्स्ट डे है नेपाल की ट्रिप पे। कल तो मैंने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस किया था और खास कुछ किया नहीं था। आज मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपने लॉज से तो मैं निकल चुका हूँ भाई। अभी महेंद्रनगर बस पार्क को क्रॉस किया है, हम बस स्टैंड बोलते हैं उसको, ये लोग बस पार्क बोलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई लुम्बिनी। पहले मैं जाने वाला था शेफोक्सुंडे, तो नेशनल पार्क है यहाँ नेपाल में। वहाँ का मेरे को पता लगा कि भाई 2 से 3 दिन की ट्रैकिंग है जहाँ गाड़ी का सफ़र ख़त्म होगा उसके बाद, तो इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। फिर वहाँ नहीं जा रहा मैं, तो अब मैं जाऊँगा सीधा लुम्बिनी। तो यहाँ से देखते हैं अगर लिफ्ट मिलती है कोई तो लिफ्ट, अदरवाइज़ यहाँ से फिर कोई व्हीकल, कोई गाड़ी, पेड़ कार बस वगैरह कुछ पकड़ के तो लुम्बिनी तक जाएंगे। तो अब आपको थोड़ा सा बस के बारे में बताता हूँ, यहाँ बस का क्या सीन है। जैसे हम हमारा बस स्टैंड, बस टर्मिनस वगैरह होते हैं इंडिया में, तो वैसे ही यहाँ उसको बस पार्क बोलते हैं ये लोग। और मैं बस पार्क पे गया था, बस पार्क पे मैंने पता किया क्या सीन है, कैसे लुम्बिनी तक पहुँचूँगा मैं। तो वहाँ उन्होंने बताया कि आपको काठमांडू की बस पकड़नी पड़ेगी जो आपको लुम्बिनी छोड़ देगी, जिसका आपको फेयर तो शायद वो काठमांडू तक का ही लेंगे उसमें। उसका फेयर था कुछ 600 रुपये एसी बस का था और 1200-1300 रुपये डिलक्स बस का, जिसमें शायद स्लीपर क्लासेस आप लेट के जा सकते हो आराम से। तो अभी बस पार्क से तो मैं बाहर आ गया हूँ, अभी यहाँ देखते हैं आगे क्या मिलेगा, कोई लिफ्ट मिलती है या नहीं, या वापस बस पार्क पे जाके बस ही लेनी पड़ेगी वहाँ तक के लिए। चलते चलते मुझे एक ये सुंदर सी बिल्डिंग दिखी, इसके बारे में पता किया मैंने, तो ये यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है महेंद्रनगर म्यूज़ियम। ये एक म्यूज़ियम है जो अभी फ़िलहाल बंद है, 10 बजे खुलेगा और अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो 1.5 घंटा तो मैं वेट नहीं करने वाला इसका। अरे यार भाई ये गलत काम हो गया। सीन ये हो गया, मैं सुबह सुबह उठ के जब बस पार्क पे गया था बसेस की इंक्वायरी के लिए, तो उस लॉज वाले बंदे ने मेरे को एक छोटा सा ताला दिया था, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा कि अपने रूम पे ये ताला लगा के चले जाऊँ। तो वापस आया, तो वापस आके मैंने वो ताला खोला और खोल के अपनी जेब में डाल लिया, पैंट की जेब में। और अभी जब वहाँ से मैं तकरीबन पैदल चल के 3 किलोमीटर के करीब आ चुका हूँ, तो अब मुझे पता लगा है, मैंने ध्यान दिया कि वो ताला अभी भी मेरी जेब में ही पड़ा है। शिट यार, ये तो गलत हो गया भाई। वो अगला बंदा बेचारा ये सोचेगा मैं ताला चोरी करके ले आया उसका। भाई अगर फ्यूचर में अभी कभी आप अगर वीडियो देखो होटल वाले भाई, तो रियली सॉरी, आपका ताला मेरे पास आ गया, मैं जानबूझ के नहीं लाया हूँ। हाँ बट इतना है, मैं सॉरी आपको सॉरी बोल सकता हूँ, पर अभी इस ताले के लिए, इतने छोटे से ताले के लिए मैं 3 किलोमीटर वापस पैदल चल के तो नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए चल रहे हैं आगे, आगे देखते हैं अगर कोई लिफ्ट मिलेगी तो। महेंद्रनगर से मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये जो अभी साइड में से गया है ये ऑटो रिक्शा, ये एक बहुत कम हो गए हैं यहाँ पे चलने, शहर के अंदर तो काफ़ी सारे थे, तो अभी जहाँ ये कम हो जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि शहर से बाहर आ गए हम। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि मुझे कोई लिफ्ट मिल जाए शहर से बाहर। भाई पहली लिफ्ट मिल गई है मेरे को आज दिन की। ये भाई हैं चक्रदेव, इन्होंने लिफ्ट दी है और 6 किलोमीटर मुझे ड्रॉप कर देंगे ये। तो 6 किलोमीटर की जर्नी तो कम होगी, अभी है ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर और बाकी है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगी, ऐसे ही मिलता रहेगा कोई ना कोई साथी। ये है हमारे चक्रदेव भाई। तरफ फाइनली एक कदम बढ़ा लिया,
कि चक्रदेव भाई तो मुझे ड्रॉप करके चले गए हैं, अभी उनको यहाँ काम था, वो बैंक में जॉब करते हैं। ये सामने ब्लू कलर का बोर्ड वाला जो बैंक है, यहाँ चले गए वो। तो अब चलिए आगे देखते हैं, 6 किलोमीटर का सफर तो हुआ कम, लेट्स सी आगे क्या होता है, कौन लिफ्ट देगा, कैसे हम पहुँचेंगे। ये हाईवे है, महेंद्र राजमार्ग है ये, तो बस इसको नहीं छोड़ना, ये सीधा लुम्बिनी होते हुए लुम्बिनी बुटवल फिर काठमांडू तक जाता है। भाई दूसरी लिफ्ट भी मिल गई है हमें अतरिया तक की, तो अतरिया यहाँ से है ऑलमोस्ट 32-33 किलोमीटर, तो अतरिया तक मुझे छोड़ देंगे। भाई इनका नाम कृष्णा है, इन्होंने लिफ्ट दी है मुझे। धन्यवाद आपका, ऐसे ही आप जैसे लोग मिलते रहेंगे मेरे को, मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलता है इसमें यार कि लोग कितने हेल्पफुल हैं, जितना हम सोचते हैं उतनी खराब नहीं है दुनिया। आप बाहर निकलो, किसी से मदद का हाथ बढ़ाओगे तो सामने वाला मदद करेगा आपकी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, सब एक जैसे नहीं होते। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा रास्ता है यार, ये रास्ता देखो आप लोग, यहाँ पीछे अभी एक बोर्ड लगा हुआ था कि ड्राइव स्लो, हाथी क्रॉस करते हैं यहाँ इस रोड से, शायद हाथी आते जाते होंगे इधर उधर। हाँ तो ये क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या कोई? शुक्ला फाटा वाइल्ड लाइफ। शुक्ला फाटा, अच्छा हाँ, ये शुक्ला फाटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हैं भाई। हाँ ये देखो यहाँ पे हिरण गैंडा और हाथी वगैरह काफी है, इसलिए जगह जगह ये बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई आप थोड़ा सा स्लो चलो, हो सकता है कोई जानवर एकदम से निकल के आ जाए, या कोई बड़ा जानवर आपको एकदम से देख के परेशान हो जाए तो हो सकता है आपको अटैक भी कर दे। तो चलिए आगे फिर देखते हैं, अगर आगे कुछ और होगा भाई मुझे जहाँ ड्रॉप करेंगे वहाँ अतरिया का, फिर आपको दिखाता हूँ अतरिया कैसा है, क्या है, शहर है, कस्बा है, गाँव है। थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी। तो ये भाई थे, इन्होंने ड्रॉप कर दिया है मुझे और इनको धनगढ़ी जाना है इस तरफ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारा रास्ता है भाई इधर, ये है लुम्बिनी के लिए रास्ता। महेंद्र नगर से हम चले तो भाई हमारा सफर बाकी था 426 किलोमीटर लुम्बिनी तक, और अभी अतरिया में पहुंच गया हूं। तो यहां से मैंने अभी चेक किया है, अभी बाकी है ऑलमोस्ट 386 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर कवर किए हैं मैंने सुबह से। अभी याद नहीं मुझे मैं कितने बजे निकला था, फिर भी शायद 2-3 घंटे हो गए मेरे को चले हुए। तो चमटा अगर ऐसे ही चलता रहा तो शाम तक मुश्किल है मैं लुम्बिनी नहीं पहुँच पाऊँगा। हाँ हो सकता है अभी पूरा दिन बाकी है, अभी 10:30 बजे हैं तो दिन पूरा बाकी है, और हो सकता है कोई अच्छी खासी लिफ्ट मिल जाए काफ़ी दूर तक की, कोई फास्ट गाड़ी। अभी तक तो मेरे को सिर्फ 2 बाइक्स पे ही लिफ्ट मिली है। अभी मैं यहाँ अतरिया शहर से बाहर निकलने की उस पर हूँ रोड पे, तो यहाँ से बाहर निकल के फिर दोबारा फिर से ट्राई करूँगा कोई लिफ्ट मिल जाए मेरे को। तो भाई चाय पीने रुका हूँ मैं यहाँ एक दुकान पे अभी, तो इन भाई की दुकान है ये, और ये चाय। और अभी इन भाई से वो पूछ रहा था मैं, जो कल बात मैंने बताई थी कि यहाँ हर दुकान पे लगभग ज़्यादातर दुकानों पे दारू बियर वगैरह मिल जाती है, तो इनकी दुकान पे भी है वो, यहाँ चाय की दुकान है, इस पे भी दारू बेच रहे हैं। ये देखो देसी भी है, इंग्लिश भी है, और पता नहीं विस्की वगैरह काफ़ी कुछ है इसके पास, वैरायटी है। तो वो पूछा मैंने इनसे, तो कह रहे कि भाई इसके लिए परमिट लेना पड़ता है, जिसके पास परमिट होता है वही बेच सकता है ऐसे। हाँ बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ठेके पे ही मिलेगी, जैसे हमारे इंडिया में मिलती है ठेके पे, तो ठेका कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी शॉपकीपर उसका परमिट ले सकता है और अपने यहाँ बेच सकता है।
माता जी कैसी बनी है चाय? ये भी चाय का मजा ले रही है। तो भाई मेरे को अपनी तीसरी लिफ्ट मिल गई है। तो नवराज राउत जी ने मुझे लिफ्ट दी है तीसरी। ये नेपालगंज तक जा रहे हैं। तो सर आप रास्ते में मेरे को कहाँ छोड़ोगे? मैं मेन हाईवे पे छोड़ देता हूँ। हाँ मेन हाईवे पे हम कहाँ तक जाएंगे साथ में? यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर। अरे वाह मौज हो गई। ये तो लगभग 250 किलोमीटर मैं इनके साथ ही हूँ। तो मुझे जो लग रहा था कि मैं शाम तक लुम्बिनी नहीं पहुँच पाऊंगा, तो इनकी बदौलत मैं अब शाम को लुम्बिनी पहुँच जाऊंगा जरूर। 3.5 घंटे का रास्ता है। हाँ तो ये 3.5 घंटे में 250 किलोमीटर हम कवर कर लेंगे। और ये हैं सर जिनके साथ मैं अभी सफर कर रहा हूँ। तो ये अभी इन्होंने बताया कि ये 20 साल तक इंडिया में रहे, मुंबई में, वहाँ इन्होंने जॉब की है। और यहाँ भी ये एक सरकारी कर्मचारी हैं ऊर्जा मंत्रालय में। तो इनके साथ का अभी सफर देखते हैं, उम्मीद है अच्छा रहेगा। इस हाईवे पे मैंने बोर्ड देखे हैं कहीं कहीं इंडिया नेपाल, तो ये शायद इंडिया और नेपाल का कोई फ्रेंडशिप रोड है जो शायद मिलके बनाया होगा दोनों सरकार ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ सहयोग हो इस हाईवे को बनाने में, इसलिए जगह जगह इंडिया का और नेपाल का फ्रेंडशिप के बोर्ड लगे हुए हैं। तो अभी इसी हाईवे पे कुछ दूर पे आने वाला है करनाली ब्रिज, जो करनाली नदी पे है। और करनाली रिवर बेसिकली बहुत बड़ी है और यहाँ से निकल के वो इंडिया में गोरखपुर की तरफ बह जाती है। वहाँ से उसके काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं, वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ तो एक सिंगल नदी है वो, बट यहाँ ब्रिज से जो जहाँ से हम निकलेंगे उसके बाद से जब इंडिया में एंटर करती है वहाँ उसके कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं, छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है वो कई जगह। तो ये सामने दिख रहा है ग्रीन से कलर का करनाली ब्रिज इस पहाड़ के नीचे, और ये शायद करनाली नदी है हमारे साइड में इस तरफ। तो इन्होंने अभी मछली ऑफर की थी मुझे कि मछली खानी है, बट मैं मछली खाता नहीं। ये है जी ब्रिज करनाली रिवर, और ये है इधर करनाली रिवर, काफ़ी बड़ी रिवर है। यहाँ से तो ये नेपाल के अंदर से आ रही है, यहाँ अभी तो एक सिंगल नदी है, ये एक ही नदी है दोनों तरफ। और इधर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इंडिया की तरफ जाएगी तो इसकी काफ़ी सारी, ये आगे जितना बढ़ेगी उतनी फैलती भी जाएगी और इसके भाग भी होते जाएंगे, काफ़ी कई भाग हो जाएंगे इंडिया में जब तक ये पहुँचेगी। तो यहाँ से आगे अब ये प्रदेश भी दूसरा शुरू हो गया, दूसरा प्रांत आ गया। कौन सा है? लुम्बिनी। ओके तो अभी यहाँ से हम ये जो था सुदूर पश्चिम खत्म हो गया है, यहाँ से लुम्बिनी प्रांत शुरू हो गया है नेपाल का। तो अभी लुम्बिनी में हम आगे चलेंगे। तो लुम्बिनी में अभी मेरे को अभी लुम्बिनी स्टार्ट जरूर हो गया, बट मेरे को जहाँ जाना है वो अभी काफी अंदर है। यहाँ जो लुम्बिनी एक पर्टिकुलर जो एक जगह है जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वहाँ मैं जाऊँगा, तो वो एक पर्टिकुलर जगह है, वो अभी काफ़ी दूर है यहाँ से। इधर आगे आदमी बैरिक है। हाँ वीडियो शीडियो बनाने में देते हैं। अच्छा चलिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ यहाँ तो।